हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन तक में। दोस्तों, आज हम ब्रह्मांड के विषय में जानेंगे और इसको जानने से पहले एक छोटी सी बात और जान लेते हैं। जो शब्द इस टॉपिक में आने वाले हैं, इसका मतलब क्या हुआ और ये कैसे समझेंगे, तो आइए जानते हैं। प्रकाश वर्ष, जिसको इंग्लिश में लाइट ईयर भी कहते हैं, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरियाँ, जैसे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अथवा पृथ्वी से तारों की दूरी, बहुत बड़ी होती है तथा उन्हें व्यक्त करने के लिए बड़े मात्रक प्रयुक्त किए जाते हैं। दूरी का एक बहुत बड़ा मात्रक प्रकाश वर्ष है। अब आइए जानते हैं कि प्रकाश वर्ष कैसे निकालते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि प्रकाश रिक्त स्थान में, मतलब कि खाली जगह में, एक वर्ष में तय करता है। अब एक वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस तरह से 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 करते हैं तो यह जो एक वर्ष का समय है सेकंड में बदल जाता है, मतलब इसका जो मात्रक है सेकंड में हो जाता है। तथा प्रकाश एक सेकेंड में 3.0 गुणे 10^8 मीटर प्रति मीटर दूरी तय करता है। इसलिए अब हम ये जानेंगे कि एक प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष चूँकि दूरी का मात्रक है, अब दूरी निकालने के लिए हमें चाहिए चाल और समय, क्योंकि हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ 3.0 गुणे 10^8 मीटर प्रति सेकेंड क्या है, प्रकाश की चाल है। और समय कितना है, समय है 365 गुणे 24 गुणे 60 गुणे 60 सेकेंड। अब ये प्रकाश वर्ष यानी दूरी का मात्रक निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए चाल और समय का गुणा करते हैं, तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है 9.46 गुणे 10^15। ये जो 10 के बाद सिंबल दिया है और सिंबल के बाद 15 लिखा है, ये वास्तव में 10 का घात है 15। और इस तरह से ये दोनों हो जाएगा गुणा करने के बाद 10^16 मीटर। ये लगभग में, अब लगभग में क्यों है, यहाँ देखते हैं ऊपर 9.46 गुणे 10^15 है, ये जो है 9.46, ये लगभग 10 के बराबर है। यदि इसको पूरा 10 मान लिया जाए तो एक 10 और हो जाएगा और 10^15 की जगह पर 10^16 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा हमारा 10^16 मीटर लगभग। अब ये मीटर में है, इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 3 शून्य खत्म हो जाएगा, या ये समझिए कि 10^16 की जगह पर 3 घात कम कर देंगे तो ये हो जाएगा 10^13 किलोमीटर लगभग। इसलिए अब नीचे जो प्राप्त होता है ये है एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10^15 मीटर। तो आइए अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ। इसके लिए ये जानना जरूरी था कि प्रकाश वर्ष क्या है, क्योंकि प्रकाश वर्ष का जिक्र इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति टॉपिक में आगे हुआ है। तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति। सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड की संज्ञा दी जाती है। ब्रह्मांड आकार एवं परिमाण की दृष्टि से काफ़ी विस्तृत है। इसमें छोटे छोटे परमाणु से लेकर आकाशगंगा तक बड़े बड़े समूह पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को कॉस्मोलॉजी या ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1730 में जर्मन दार्शनिक क्रिश्चियन वुल्फ ने किया था। तो खगोलविदों का मत या एस्ट्रोनॉमर्स ओपिनियन इस प्रकार है, जैसे कि पहला है मिस्र। मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन किया और 140 ईस्वी में भूकेंद्रीय सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं, का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। दूसरा है पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस। इनका जन्म 1473 में और मृत्यु 1543 ईस्वी में हुआ। इन्होंने यह स्पष्ट किया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं।
इस प्रकार सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी भी कहा गया। इस सिद्धांत के फलस्वरूप खगोल शास्त्र के अध्ययन की दिशा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया। फलतः कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। तीसरा है कि वर्ष 1610 में इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो द्वारा दूरबीन के आविष्कार के बाद ब्रह्मांड के अध्ययन करने में नया परिवर्तन आया। यह प्रश्न या गैलीलियो से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षा पूछे जाते हैं कि सबसे पहले दूरबीन का खोज किसने किया। गैलीलियो के दूरबीन का खोज कर देने के बाद अंतरिक्ष में झांकना और निरीक्षण करना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही आसान हो गया। चौथा है, 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह की सहायक जोहानेस केपलर, 1571 में इनका जन्म हुआ था और 1630 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने ग्रह कक्षाओं, जिसको इंग्लिश में ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है, ऑर्बिट उसको कहते हैं, ऑर्बिट में कक्षा या कक्षा इसको पथ भी कह सकते हैं या मार्ग कह सकते हैं, जो कि ग्रहों का मार्ग है, इसी मार्ग पे वो चल करके और सूर्य का चक्कर लगाते हैं, के नियमों की खोज की तथा इससे इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। जोहानस केपलर को नवीन खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। पांचवा है कि ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्सले ने दूरबीन की सहायता से ब्रह्मांड का अध्ययन कर वर्ष 1850 में स्पष्ट किया कि सौरमंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में मंदाकिनी स्पाइरल, जिसको दुग्ध मेखला कहते हैं, की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र में होने का प्रमाण समाप्त हो गया। वर्ष 1925 में अमेरिकी खगोलविद एडविन हबल ने स्पष्ट किया कि दृश्य पथ पर आने वाले ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। अब यहाँ आपको यह क्लियर हो जाएगा कि हमने प्रकाश वर्ष की दूरी और मात्रक क्यों बताया था। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। यहाँ क्या है कि 250 करोड़ प्रकाश वर्ष लगा है। एडविन हबल ने मिश्रित ब्रह्मांड सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके अनुसार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, जो एक निश्चित अवधि में या तो महाक्रंच के रूप में एक बिंदु पर समाहित होकर ब्लैक होल में शामिल होकर नष्ट हो जाएगा। यानी कि अभी फैल रहा है और बाद में ये हो सकता है कि सारे जो ग्रह हैं और पिंड हैं जो स्पेस में फैले हुए हैं, एक जगह इकट्ठा होकर के और शून्य में समाहित हो जाएंगे, जिसको हम ब्लैक होल भी कह सकते हैं। इस तरह से ये टॉपिक समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया।